फ्रेंड्स, आप में से काफी लोग वीगो वीडियो के बारे में जानते होंगे या अपने हैपस्टर का नाम सुना होगा। यहाँ पर आप अपने वीडियो अपलोड कर सकते हैं, जो भी कॉमेडी की वीडियो रहते हैं, जो भी आपको पसंद आए वो वीडियो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन काफी कम लोग जानते हैं कि यहाँ पर वीडियो अपलोड करने से आपको पैसे भी मिल जाते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर यही हम सीखेंगे किस तरह से इसके अंदर वीडियो अपलोड करते हैं और ऑनलाइन अर्निंग करते हैं। और वीडियो के लास्ट में मेरा पेमेंट प्रूफ भी आपको बताऊंगा, तब कि आपको ये एप्लीकेशन जेन्युइन लगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं अपना हमारा चैनल। तो आइए शुरू करेंगे। तो भाई लोग, वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट जरूर करना, क्योंकि हर कमेंट का मैं आपका जल्द से जल्द रिप्लाई दे दूंगा। उसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और आपके सवाल पूछ सकते हैं, मैं आप सभी का रिप्लाई दे दूंगा। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पर इस एप्लीकेशन का आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आपका प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा और वहाँ से आपको वीगो वीडियो डाउनलोड कर लेना है। वीगो वीडियो डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप अपने गूगल अकाउंट के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास आपका मोबाइल नंबर होगा तो मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं, या आप अपने फेसबुक के साथ भी इसके अंदर लॉगिन हो सकते हैं। उसके बाद अकाउंट बन जाने के बाद यहाँ पर मी पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर मैंने पहले से बहुत सारी सेटिंग कर चुका हूँ। जब भी आप इसके अंदर अकाउंट ओपन करोगे तो यहाँ पर आपका जो नाम होगा वो डालने के लिए आ जाएगा। जो भी डिटेल्स होंगी, मेल, फीमेल, बेसिक, आपका बर्थडे डेट, सब डालने के लिए यहाँ पर आ जाएगा। आप उन सबको फिल कर देना, बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ भी मेहनत नहीं की, सिर्फ यहाँ पर मैंने 7 वीडियो अपलोड किए हैं और सिर्फ 30 सेकेंड के वीडियो यहाँ पर अपलोड करते हैं। फ्रेंड्स, इसके अंदर सिर्फ हमें 30 सेकेंड का वीडियो अपलोड करना रहता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने कुछ भी वीडियो यहाँ पर अपलोड किए हैं, फिर भी मुझे अर्निंग हो चुकी है। सबसे पहले देखेंगे इसकी अर्निंग कैसी होती है। तो यहाँ पर फ्लेम्स दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर हमें क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स, फ्लेम्स मतलब क्या? सपोज आपने कोई भी वीडियो अपलोड किया और दूसरे लोगों ने देखा, तो कितने लोगों ने देखा ये आपको पता नहीं चल जाएगा। कितने लोगों ने आपकी वीडियो को देखा ये आपको पता नहीं चलेगा। उसके बदले में फ्लेम्स यहाँ पर बढ़ जाएंगे। जितने ज़्यादा फ्लेम्स उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर मुझे 30 फ्लेम्स मिल चुके हैं, इस वीडियो के अंदर मुझे 90 फ्लेम्स मिल चुके हैं, इस वीडियो के अंदर भी मुझे 90 फ्लेम मिल चुके हैं। सारे वीडियो को मिलाकर मेरे पास सिर्फ 95 फ्लेम अवेलेबल है, फिर भी मुझे $1.5 के आसपास पैसे मिल चुके हैं। उसके बाद हमें वीडियो कैसे अपलोड करना है, उसके लिए हमें कैमरा पर क्लिक करना होगा। उसके बाद सीधा आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर रेड बटन दबाने के बाद जो भी आप चाहो उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 सेकेंड तक। अगर आपको आपके वीडियो में म्यूज़िक लगाना है तो यहाँ पर म्यूज़िक पर क्लिक करो। यहाँ पर बहुत सारे म्यूज़िक अवेलेबल है 30 सेकेंड के। किसी एक म्यूज़िक को ओपन कर कर आप अपने वीडियो को रिकॉर्ड करो और इसके अंदर पोस्ट कर दो। पोस्ट करने के बाद आपका वीडियो यहाँ पर शो होगा और कुछ ही सेकेंड के अंदर बहुत सारे लोग यहाँ पर देखने लगेंगे। आप चाहे तो आप अपने वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर शेयरिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल है। मैंने यहाँ पर बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैंने एक भी वीडियो मैंने व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर नहीं किया। ये ऑटोमेटिकली उसको फ्लेम मिलते गए। तो आप भी कुछ हटके वीडियो बनाओगे 30 सेकेंड के तो आपको बहुत सारे फ्लेम्स मिलेंगे और आपकी अर्निंग भी उतनी ज़्यादा हो जाएंगी। उसके बाद देखेंगे मेरा पेमेंट प्रूफ। तो इसके अंदर से आपका $1 होने के बाद ही आप उसको अपने पेपल अकाउंट में ले सकते हैं। सबसे पहले पेपल अकाउंट होता क्या है? फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी आपकी अर्निंग होगी वो डॉलर्स के अंदर हो जाएगी। तो डॉलर्स तो हमारे देश में नहीं चलते, तो डॉलर्स को रुपीस में चेंज करने के लिए हमारे पास पेपल अकाउंट होना चाहिए। जैसे कि हमारे देश में पेटीएम अकाउंट होता है, उसी तरह से पेपल अकाउंट भी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपके पास पेपल अकाउंट नहीं है तो आप पेपल अकाउंट बना लो। अगर आपको पेपल अकाउंट नहीं बनाना आता तो आप यूट्यूब के अंदर वीडियो सर्च करो, हाउ टू क्रिएट पेपल अकाउंट, तो बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे और आप पेपल अकाउंट बनाना सीख जाओगे। अगर पेपल अकाउंट आपको बनाना है तो आपके पास एक बैंक अकाउंट और पैन कार्ड होना ज़रूरी है, तभी आप अपना पेपल अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप कोटक महिंद्रा बैंक का या DBS बैंक, जो फ्री बैंक है, उसके अंदर अकाउंट ऑनलाइन बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पेपल अकाउंट बना चुका हूँ और मेरा एक पेमेंट पेपल अकाउंट के अंदर भी आ चुका है, मैं आपको वही दिखाने जा रहा हूँ। अगर यहाँ से आपका $1 हो जाता है तो आपको पेपल पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपके डॉलर्स कर देना है और कंफर्म पर क्लिक करना है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद 2 या 3 सेकंड के अंदर डायरेक्टली आपका जो पैसा होगा वो आपके पेपल अकाउंट में आ जाएगा, तुरंत ही पैसा आ जाएगा। उसके लिए कुछ
दिन भी नहीं लगते, एक या दो सेकंड के अंदर जो भी आपका अमाउंट होगा वो आपके पेपल अकाउंट में आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते कि $1 मुझे वीगो वीडियो की तरफ से अभी मिल चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते कि देखो आप अमाउंट $1 मुझे मिल चुका है वीगो वीडियो की तरफ से, उसका ट्रांजेक्शन आईडी ट्रांजेक्शन डेट यहाँ पर अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स मुझे पेमेंट मिलने के बाद ही मुझे ये एप्लीकेशन जेन्युइन लगी, इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। कुछ भी आप इसके अंदर वीडियो डालो आपको फ्रेंड्स मिलते जाएंगे और आपकी ऑनलाइन अर्निंग होती जाएगी। फ्रेंड्स अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट होगा, कोई भी सवाल होगा तो नीचे कमेंट जरूर करना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।